हर भगवान श्री कृष्ण ही है, वो कोई ऐसी मूर्ति मूर्ति नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण खुद ही ऐसे विठल बन के ऐसे खड़े हैं। हरे कृष्ण फ्रेंड, मैं आज आप सबको बताऊंगी कृष्णा कैसे बने विठल। जय जय विठल शेर विठल पांडुरंगा गोविंदा, जय जय विठल शेर विठल पांडुरंगा गोविंदा, जय जय विठल शेर विठल पांडुरंगा गोविंदा। एक बार रुक्मणी मैया कृष्णा से नाराज हो गई थी, तो फिर वो द्वारिका छोड़ के डिंडीरावन चली गई। तो फिर कृष्णा भी रुक्मणी मैया के पीछे पीछे भागने लगे भागने लगे। फिर कृष्णा रुक्मणी मैया को मनाने लग गए, फिर रुक्मणी मैया मानी नहीं। फिर कृष्णा से नाराज होके वो ऐसे तपस्या करने लग गई। फिर द्वारिकाधीश कृष्णा ने सोचा कि यहाँ पर मेरा भक्त पुंडलिक भी रहता है, चलो चलो मेरे भक्त से मैं मिलने चलूं। आप सब सोच रहे होंगे कि पुंडलिक कौन है और भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण उनसे क्यों मिलने जा रहे हैं, क्या विशेष है पुंडलिक में। तो मैं आपको बताऊंगी, पुंडलिक कृष्णा का भक्त था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था और अपने माता पिता की सेवा करता था, खूब 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 सेवा करता था। इतनी सेवा करता था कि भगवान स्वयं उनसे मिलने आए। श्री कृष्ण पुंडलिक के घर प्रवेश किए, उनसे पूरी रोशनी निकलने लग गई, सन वन उनसे ही निकलता है क्योंकि इसलिए उनसे बहुत लाइट आने लग गए। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा करना था, उधर से कृष्णा तो वैभव के पीछे देखा, तो कृष्णा से तो फिर वो माता उसने देखा वो माता पिता के चरण दबा रहे। तो वो सोचने लग गया क्या दूं मैं क्या दूं, जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप उसको बोलते आओ आओ हेलो बैठो बैठो, तो उस टाइम तो चेयर पर कुछ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ईट उनको दिखाया, देखा उन्होंने, फिर ईट उन्होंने वहाँ पर फेंक दिया। ईट को मराठी में बोलते वीट, तो फिर वैसे फेंक दिया और कृष्णा को देखा और बोला थाम्बा थाम्बा, मतलब रुको रुको। कृष्णा ईट के ऊपर खड़े हो गए, तो फिर जैसे पुंडलिक ने अपने जैसे पुंडलिक के माता पिता सो गए, तो फिर पुंडलिक भाग भाग के भगवान श्री कृष्ण के पास आया, उनको प्रणाम करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला आप अपने माता पिता की सेवा करते हो मैं प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने बोला जो वर मांगने मांग लो पुंडलिक। पुंडलिक ने कहा जब मैं आपसे वर मांग लूंगा तो जब मैं मेरी मृत्यु आ जाएगी तो फिर मैं वो वर को यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा ना, इसलिए मैं आप ही को ही मांग लेता हूँ कि आप ही मेरे सामने रहे हैं, आप ये स्वरूप सबको दिखाए। भगवान श्री कृष्ण वीट पे खड़े थे तो इसलिए उनका नाम पड़ा विठल, जैसे वो गिरिराज गोवर्धन को उठाते तो उनका नाम पड़ता है गिरिधारी, वैसे ही वो वीट के ऊपर खड़े होते हैं तो फिर उनका नाम पड़ता है विठल। जय जय विठल सियारे विठल पांडुरंगा गोविंदा, जय जय विठल शेर विठल पांडुरंगा गोविंदा, जय जय विठल शेर विठल पांडुरंगा गोविंदा। तुम क्या देख रहे हो, अगर आपको पंढरपुर जाने का मौका मिला है, आप पंढरपुर जा रहे हो तो फटाफट भगवान जी के दर्शन करो, उनको प्रणाम करो, उनको देखो।